एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम जाने वाले शॉपिंग करने के लिए। मैंने ड्रेस नहीं लिया, आप लोगों को पता ही है। तो जाऊंगी इस प्लानेट मार्केट आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ पे आई थिंक फुटपाथ वगैरह जो रास्ते में लगते थे वो भी बंद हो चुका है सब जगह ऑलमोस्ट, क्योंकि तो वहाँ पे रास्ता बड़ा कर रहे हैं। सो इसीलिए तो देखते हैं वहाँ पे क्या हालात है। तो मैं क्या ले रही हूँ आप लोगों को वीडियो में एंड तक रहोगे तो ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। और इस प्लैनेट मार्केट जो नहीं देखे हैं मैं आप लोगों को वहाँ के बारे में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो घर से निकल चुके हैं और आ चुके हैं मेट्रो। तो और मेट्रो के लिए बहुत ज्यादा लाइन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इतना लाइन है ना। यहाँ पर टोकन लेने के लिए हम लोग को खुद से ही सब कुछ पे वगैरह कर और टोकन निकाले जाएंगे। तो हम लोग देखो यहाँ से टोकन लेंगे और चलो हम लोग दिखाते हैं मेट्रो का टोकन कैसा होता है। आप लोग देख सकते हो गाइस, पहले बड़ा होता था, अभी ये ना बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, काफी मस्त है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा मेट्रो का टोकन। अभी गिराती है लड़की गाइस। तो चलो मेट्रो दिखाते हैं कोलकाता का। गाइस हम लोगों को मेट्रो मिल गया। मैंने लूटा। हाँ ये लूटी हम लोग। मेट्रो वगैरह का टेंशन खत्म हो गया, अब शॉपिंग करते हैं फटाक से और आप लोगों को दिखाते हैं फटाक। बहुत आराम से पार करनी पड़ती है गाइस, दौड़ दौड़ कर पूरा दम लाइन लग गया है। चलो अब इस प्लैनेट सामने में ही है, सारे दुकान और मार्केट तो खुले हुए हैं, हमें पता चला था कि बंद हो गया है। तो चलो ठीक है, यहाँ से अगर कुछ पसंद आता है तो ले। प्लानेट में ना काफी सस्ते में भी मिल जाते हैं। और ये सब वॉच ना 250-300 का, आप लोग देख सकते हो कितना क्लासिक वाला लुक दे रहा है। आप लोग आओ तो यहाँ से ये सब जरूर ले जाना, काफी अच्छे लगते हैं। और ये देखो गाइस पुलिस वाले लोग घोड़े पे सवार कर रहे थे, पता नहीं ये। तो फाइनली आ चुके हैं हम अंदर और यहाँ पे सब बहुत कुछ मिलता है। आप लोग को इतना चीज पसंद आ जाएगा ना क्या ही बोलोगे। और यहाँ पे दुर्गा माँ बनी होगी आई थिंक। हाँ ये देखो गाइस। तो चलो हम मॉल इस, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज एंड लेडीज का कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सूट के भी कलेक्शन है और मैं ये वाला पीस ट्राई की, बट उस ऊपर में ना पूरा कपड़ा इतना पतला था कि पूरा चीज दिखेगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ पे ये नहीं लिया, अच्छा लग रहा था बट नहीं लिया। और यहाँ पे देखो कितना क्राउड है। और मैं यहाँ पे मसाज कराने वाली हूँ क्योंकि मेरे बैक में बहुत दर्द है, यहाँ पे मसाज वगैरह सब होता है तो काफ़ी मज़ा आएगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो चलो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और पता है जब कर रहे थे ना गाइस इतना गुदगुदी लग रहा था, इतना पर बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया, सीरियसली काफ़ी मस्त लग रहा था। आप लोग 10 मिनट का कराओगे तो 120 रुपये लगेगा और 15 मिनट का कराओगे तो 180 रुपये लगेगा, पूरा रिलैक्स फील हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे आओ श्रीरामपुर करा रहे हैं, देख लो गाइस मेरी सिस्टर ये, और मैंने करा लिया, मेरा हो गया हालिया। मैंने 15 मिनट का लिया था और काफ़ी अच्छा लगा, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। तो चलो अब ये लोग कराते हैं, इसका एक्सपीरियंस मेरे भाई लोग भी करा लिया और मैंने एक कवर लिया है, घर जाके दिखाऊंगी और इन लोगों का एक्सपीरियंस भी बाद में पूछूंगी। चलो अभी थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत भूख लगी थी, फिर आगे केएफसी में बर्गर खाया, चिकन पेरी पेरी खाया एंड पेप्सी पिया और यहाँ पे फ्रेंच फ्राई भी ले लिया, काफी मजा आएगा इस खाने। एंड देन आशीष भैया के लिए हम लोग देख रहे हैं टी शर्ट वगैरह, तो देखते हैं भैया का क्या पसंद आता है। अभी तो मैं अपने लिए ली नहीं हूँ और भैया काफी इस ड्रेस में काफी स्मार्ट लग रहे थे, बट ये लिया नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा जो डिजाइन है ना, इसीलिए। सो अब दूसरे दुकान में जाते हैं और इसने एक ट्राई किया तो इसने एक ले लिया और अब यहाँ पे भैया भी ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर भैया का भी ये फाइनल हो गया था। और मैं अभी तक ड्रेस नहीं ली हूँ, पता नहीं कब लूंगी पर आज लेकर जाऊंगी। वो कर देंगे ना टाइट, फिट हो जाएगा ये स्टार्टिंग से। मुझे चाहिए था फ्रॉक में और ये कलर काफी प्यारा है, कभी पहना नहीं था तो मैंने तो ये ले लिया, डन काफी मस्त लग रहा था। फाइनली मेरा हो गया शॉपिंग डन, चलो ड्रेस तो ले लिया, अब अपना मेकअप लेती हूँ। व्हाइट ज्यादा बेस्ट लग रहा है ना, सिल्वर ज्यादा बेस्ट लग रहा है, ब्लैक उतना खास नहीं लग रहा। बरे स्पार्क मॉल और कुछ पड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैंने सारा चटना स्पार्क मॉल से ही लिया है, सारा चीज जो देख रहे हो। और यहाँ पे तो बिल्कुल मुझे वहाँ श्रीरामपुर मार्केट में पसंद है, तो मैंने यहाँ से ही सारा चीज शॉपिंग किया और क्या क्या किया बताऊंगी। मैंने इसको सैंडल और एक फ्रॉक दिलाया,
गाइस सही में गिर जाती, इसके झूठ से गिर जाती। तो चलो गाइस आगे मैं थोड़ा मेकअप का कॉस्मेटिक का सामान ले लेती हूँ। देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड हो गया गाइस पूजा का शॉपिंग करने के लिए, तो फिर हम यहाँ से अब निकल गए शारदा। और अभी टैक्सी से उतरे, आप लोग शारदा स्टेशन का व्यू देख सकते हो। शारदा स्टेशन हमारा कितना बड़ा है, रात में तो काफी खूबसूरत लगता है। सो गाइस हम आ चुके हैं शॉपिंग करके घर, और हमने दुर्गा पूजा के लिए क्या क्या शॉपिंग की ना आप लोग जान के हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज खरीद ली हूँ क्योंकि मुझे काफी पसंद आ गया था। तो चलो मैं पहले कुछ कुछ हल्का चीजें दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम ड्रेस दिखाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारा ड्रेस देखा बट ये मुझे काफी अच्छा लगा तो पहले मैं इसको पहन के आती हूँ। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो दुर्गा पूजा के लिए मैंने एक आउटफिट लिया है, आप लोग देख सकते हो। बेल्ट वेस्टर्न नहीं, बेल्ट नहीं लगाया है तो बेल्ट नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाऊंगी जब मैं घूमने जाऊंगी तब। तो ये ड्रेस लिया है, और ये ड्रेस कितने का हो सकता है आप लोग जरूर बताओ। पर मैं बता देती हूँ इसका एमआरपी प्राइस है, इसका एमआरपी प्राइस है 3700 बट मैंने इसको लिया है 2500 में। सो गाइज ये हमारी औकात के बाहर का फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट। यस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ये ब्रांड देख सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, ब्रांड कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये है चार्ल्स एंड केथ का, जो एक ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, आप गूगल भी कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो ये बॉक्स में भी लिखा हुआ चार्ल्स एंड केथ, देन आप इसको सर्च करना चाहो अगर बिलीव ना हो इसके ब्लॉग देखकर, तो ये सर्च कर सकते हो। एंड चलो इसको हम लोग ओपन करते हैं। यस गाइस, और इसमें जो है ना ये एक सैंडल, तो ये सैंडल आप सोच भी नहीं सकते किस प्राइस का हो सकता है। आपको लगेगा ये कॉमन सी सैंडल है, 500 1000 समथिंग कुछ होगा, जो भी आपको ऐसा लग सकता है, बट ये बिल्कुल उतने का नहीं है। इससे 10 गुना ज्यादा 9000 रुपीज का है ये। आई नो आपको बिलीव नहीं होगा, तो यहाँ पे एमआरपी भी लिखा हुआ है जिमकी एज ए एंड सी। सो गाइज अगर बिलीव नहीं आप सर्च भी कर सकते हो, एंड सच में 9000 का मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम इतना हाई। और गाइस देखो मैंने 9000 का ये सैंडल क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। हम लोग तो 1000-2000 का सैंडल पहनते ही है, पर मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि मतलब ये सैंडल पहनकर मैं क्या खास ब्रांड का लिया ना, तो मुझे पता चला कि ब्रांड एंड नॉन ब्रांड में क्या फर्क होता है। इसको हम डांस वगैरह भी करें, कूद भी लेंगे ना, तो ये देखो मैं पटक के दिखाती, पर नहीं पटकूंगी। मुझे ना मेरी सिस्टर गाली दे देगी। तो चलो गाइस ये देखो मैं पहली बार लाइफ में ये एक्सपेंसिव सैंडल मैंने खरीदा है गाइस, काफी मजा आ रहा है देखकर, और मुझे लग रहा है आप लोग को दिखाते रहे। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ये ब्रांड का ले सकते हो, काफी अच्छा है। मैं चार्ल्स एंड केथ का बहुत अच्छा ब्रांड है, आप लोग ले सकते हो। आप लोग ले सकते हो। चलो आप दूसरा प्रोडक्ट की ओर बढ़। और एक ये भी सैंडल लिया आप लोग देख सकते हो, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, ज्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं स्प्लैंडर वगैरह जल्दी नहीं जाती हूँ, तो यहाँ पे उतना खास नहीं मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो इसका 1000 लिया, और ये काफी अच्छा है। और चलो आप दूसरे सैंडल की ओर बढ़ते हैं। नॉन ब्रांडेड है, हाँ ये सब नॉन ब्रांडेड है। और ये मैंने ना अपनी मम्मी के लिए लिया है, उसमें झील भी नहीं है, और मेरी मम्मी को मतलब हम ही लोग का सैंडल वगैरह यूज कर लेती थी, तो मैं सोची मम्मी के लिए ले लेती हूँ, तो कलर काफी प्यारा लग रहा है, इसको हटा दे। और गाइस ये देख सकते हो ये मैंने लिया है अपने लिए, और ये ना काफी मस्त है। मैंने ये कलर ना फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, और पैर में लगा के देख रही हूँ, तो काफी मस्त लग रहा है। इसका 1500 लिया है गाइस, आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा है। और ये हील देख लो, और ये हील काफी अच्छा है, उतना भी ज्यादा हिल नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सैंडल का सैंडल, और ऐसा सैंडल नहीं था, तो ये मेरी सिस्टर ने लिया है सैंडल, आप लोग देखो, क्योंकि वो ना ज्यादा वन पीस वगैरह पहनती है, तो ये सब रहेगा सैंडल तो काफी अच्छा लगेगा उसमें। और ये देख सकते हो फीता बांधने वाला है, कट कट वाला, कल कल वाला, और इसका प्राइस लिया 1500, काफी अच्छा है, और सिल्वर कलर में आप लोग देख लो। और गाइस देखो मेरा फोन का कवर इधर नहीं मिलता है, इस प्लैनेट जाओगे ना तो ही मिलेगी, इस प्लैनेट में बहुत सारा कलेक्शन रहता है। तो ये मैंने आईफोन के लिए लिया है, और ये मैंने लिया है अपना वन प्लस के लिए फोन के लिए। और गाइस ये एक चीज तो देखना दिखाना पड़ेगा, और ये ना हाइलाइटर लिए है, काफी अच्छा यार हाइलाइटर, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये देख सकते हो गाइस हाइलाइटर, और इसका लिया 500, और ये काफी अच्छा है गाइस, मतलब हाथ में लगा कर देखा ना तो काफी अच्छा शाइन कर रहा है। तो आप लोग हाइलाइटर चाहो तो ये यूज कर सकते हो, नहीं जाने क्योंकि हम लोग मेरे पास है, बट वो लिक्विड वाला है, ये विदाउट लिक्विड वाला है। क्या मैं भूल गई, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच है, बट मेरे को ना ये पत्थर वाला पहनने का बहुत मन था, ये वहीं पे मिलता है, तो एक वॉच भी लिया है। इसका प्राइस 200 लिया गाइस, 500 बोल रहा था मैं,
200 करवाया, तो यही सब लिया गाइस दुर्गा पूजा के लिए और काफी मजा आया। पर मेरा ना 4 घंटा वेस्ट हो गया, हम लोग 2 बजे गए थे, 6 बजे तक कुछ भी नहीं मिला। जब इस पार्क मॉल में गए तो वहीं से सब कुछ लिया और मैं सोची हूँ कभी भी शॉपिंग करूंगी तो वहीं पे जाऊंगी, वहां पे सब कुछ मिल जाता है मुझे जो मुझे चाहिए। जैसा अभी श्री राम में जाके टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, श्री राम वगैरह में अपने टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आप लोग भी मत करना। अगर लेना है तो स्मार्ट मोड चल जाओगे इस पार्क मॉल। और मैंने ये क्या अरे काट रहे भूल गया गाइस। हाँ, ये देख सकते हो गाइस, ये हम लोगों ने भरा है, ये दुर्गा पार्क मॉल का ये है। 5 लकी विनर को मिलेगा 11,000 का बम्पर प्राइस। तो मैंने हम लोग को इतना सारा शॉपिंग किया तो हम लोग को 10 मिला था, हम लोगों ने 10 फॉर्म फिल कर दिया है और उस डब्बा में डाल दिया। अगर मैं लकी विनर बन गई तो मुझे फोन आएगा, पर मेरा सिर्फ इतना खराब है कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, मेरा आ गया तो बांट देंगे मैं बताऊंगी। तो यही है दुर्गा पूजा का शॉपिंग ब्लॉग, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।